है अरेवापुर माइनर पर, और ये गांव जो है खामा पड़वा बमन गांव कहलाता है। ये जिस दिशा से नहर पर हम अभी दिखा रहे हैं इसी दिशा से होकर तवा डैम का पानी यहाँ के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए आता है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं। ये टेल एरिया भी यहाँ से अभी लगभग 1 किलोमीटर नीचे है, यहाँ से जो लाल झंडी लगाई है, जो कमांड एरिया है नहर विभाग का, वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। और 26 तारीख को पानी इन्होंने डिस्चार्ज किया है तवा डैम से। हमारे यहाँ आया है 28 को रात्रि में, तो 28 को चला 12 घंटे रात में, और 29 को बस मात्र 24 घंटे चला, उसके बाद में आज तक पानी नहीं आया। रात को सिर्फ 4 घंटे आया था, हमने धरना दिया था उस पर, उसके बाद से फिर पानी नहीं आया। यहाँ सिर्फ 4 घंटे मिला बीती रात को, इसके पहले पानी नहीं मिला। सिर्फ उसके पहले भी 12 घंटे मिला था जब नहर छूटी थी, और विभाग ने जो कमांड एरिया घोषित किया है उसमें पानी नहीं पहुंच रहा है। किसानों ने जो है मूंग सूखे में अपनी बोनी कर दी, जो कमांड में एरिया में जो किसान है उन्होंने अपनी बोनी कर दी कि पानी मिलेगा, उनको आशा है, और पानी मिल नहीं रहा है। और विभाग से बात हुई है, यहाँ कल मीडिया भी आया था, और SDO साहब पोरते जी से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला हम गेज बढ़ाएंगे। आज गेज 60 का भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। और ये पानी अगर इसी तरीके से अगर चला तो ये बोनी होगी लेट, और किसानों के साथ ये स्थिति बनेगी कि बह के बह जाएंगे और उतराई की उतराई लग जाएगी, बोनी हो जाएगी लेट। किसान ने तो बीज बो दिया है, अब वो जिस खेत में उसने बीज बोया उसमें वो पानी उसको, वो तो भली 15 तारीख को मिले उसको, 15 अप्रैल को मिले, चाहे 20 अप्रैल को मिले, वो बोएगा, और उसके बाद में फिर 60 दिन की फसल है, 60 दिन की फसल पक के तैयार होगी 15 जून के बाद में, 15 जून से मानसून तैयार हो जाएगा। फिर उस समय जो नुकसान होगा अगर बारिश आएगी किसान का, तो किसान फिर क्या धैर्य रखेगा क्या, वो सिवाय सोसाइटी के और कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि बहुत बड़ी विडंबना है ये, विभाग ने घोषित किया तो पानी देना चाहिए, जो कमांड एरिया लिया है वो। इस समय हम हरदा जिले के ग्राम खामा पड़वा में हैं, और नहर में सिंचाई के पानी को लेकर यहाँ किसान नहर पर ही धरने पर बैठे हैं। आज तीसरा दिन है, और जानना चाहेंगे कि किन कारणों से यहाँ पर ये किसान धरना दे रहे हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। गोकुल प्रसाद गुजर सर मेरा नाम जी, और हम यहाँ नहर पर पानी के लिए बैठे हैं। पानी के लिए इसलिए बैठे हैं कि हमने जो सूखे में खेत में काले में फसल बो दी है, और उसमें उगाने के लिए पानी चाहिए। पानी सिर्फ एक दिन जो 12 घंटे करीब आया था, उसमें कुछ लोगों को मिला कुछ नहीं मिला, और आज 10 दिन हो गए किसानों के खेत काले पड़े हैं। करीब 2000 एकड़ खेत में पानी मिलना है, और विभाग की निष्क्रियता ये आपके सामने दिखाई दे रही है। विभाग से कल जो बातचीत हुई थी उसके अलावा उनने हमको सिर्फ रात को 2 घंटे पानी दिखा दिया, उसके बाद विभाग का कोई अता पता नहीं है। हमसे कोई विभाग का आदमी मिलने नहीं आया अभी तक। पोरते जी SDO आए थे, उन्होंने हमसे चर्चा करके सिर्फ 2 घंटे पानी बढ़ा दिया, उसके बाद पानी ऊपर का ऊपर उग गया है। तो क्या कारण है कि पानी जो है ढलान पर नहीं आ पा रहा है आपके? पानी की वितरण व्यवस्था विभाग की लापरवाही है, पानी ऊपर ज़्यादा रुका हुआ, पानी वितरण व्यवस्था में विभाग निष्क्रियता दिखा रहा है अपनी। बाकी नीचे जो ढलान की ओर आना है वो पानी नहीं आ रहा है। आपका नाम बताइए। वीरेंद्र सिंह जी, मैं भी खामपड़वा का निवासी हूँ जी। ये ग्रीष्मकालीन मूंग सिंचाई के लिए शासन ने 2 महीने की फसल के लिए नहर छोड़ी है, और इसमें जो लाल चिन्ह लगाकर जो ऐलानिया क्षेत्र है उस क्षेत्र टेल क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हम विगत 3 दिनों से यहाँ बैठे हैं, 26 तारीख से नहर छूटी हुई है, और 26 के बाद नहर छूटी और 28 तारीख को हमारे यहाँ दोपहर में पानी आया, मात्र 12 घंटे पानी चला, और उसके बाद में पानी बंद हो गया, पूरा पानी ऊपर रुक गया। उस समय से तो पानी रेवापुर हेड से ही कम हो गया बिल्कुल। अभी 3 दिन से हम बैठे हैं, तो विभागीय लोगों ने देखा कि किसान धरने पे बैठे हैं, तो बीती रात अभी हमको 2-3 घंटे पानी मिला, उसके बाद से फिर अभी सुबह से फिर बंद हो गया, नहीं आ रहा, टेल पे नहीं आ रहा पानी। तो इस दौरान प्रशासन के कोई
नहर विभाग को छोड़कर प्रशासन के कोई अधिकारी आपकी सुधी लेने आए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया प्रशासन का अधिकारी, नहर विभाग के अधिकारी ही आए, वो भी यहाँ नहीं आए, उन्होंने फोन पे जाकर आए थे। और ये लाखों का बीज जो पड़ा है हमारा खेतों में वो खराब हो रहा है, उसमें उससे उसके साथ हजारों की दवाइयाँ डली हुई है खेतों में, चारा मार वो भी सब ये धूप के कारण बर्बाद हो रही है। अगर पानी नहीं मिला, वैसे 8-10 रोज तो हो ही गए बीज पड़ा है, अगर पानी नहीं मिला तो वो तो खतरे में है हमारा बीज, तो जल्दी से जल्दी पानी दिलाया जाए, यही विभाग के बारे में। तो आज तीसरा दिन है यहाँ किसान भाइयों के धरने को, लगभग 2000 एकड़ के रकबे में यहाँ पर किसान भाइयों ने मूंग का बीज बोया है, नहर विभाग की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत पानी जो नहर विभाग ने छोड़ा था उसमें कुछ कुछ खेतों में हरियाली दिखाई दे रही है, बाकी सभी खेत यहाँ पर सूखे और काले दिखाई दे रहे हैं। इस ओर तत्काल प्रशासन को ध्यान देकर और इनकी जो फसल है उसको बचाने के लिए त्वरित उपाय करना चाहिए, अन्यथा करोड़ों रुपए की फसल खेतों में ही बर्बाद हो जाएगी बिना उगे। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़, अभी हमें खामा पड़वा में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आधे रकबे में सिंचाई हो चुकी है एवं आधा रकबा खाली पड़ा हुआ है। जी भैया बताएं। जी, मैं ग्राम खामा पड़वा का किसान हूँ। हमारी नहर की समस्या है, इसके चलते हमने धरना रखा है यहाँ। क्या हुआ है कि जो कमांड एरिया है ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए, उसमें हमारे तक पानी नहीं आ पा रहा है। एक दिन पानी आया था, उसके बाद से आज 10 दिन हो गए हैं पानी नहीं आया। 3 दिनों से हम धरना कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। और मैं आपको जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत करवाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये जो खेत दिख रहे हैं इनमें जो आपको हरा रकबा दिख रहा है, इसमें पहले दिन पानी हो चुका था, तो पहले दिन जो पानी मिला बस वही हुआ जैसे ये खेत है सामने। इसमें कुछ रकबे में जो पानी मिला है बस वही उग पाया है, बाकी ये जो काला दिख रहा है आपको बीच बीच में टाके जैसे, वो सारे इसमें बीज बोया पड़ा है और वो खराब हो रहा है। 10 दिन हो गए हैं आज, देख सकते हैं आप जितने भी ये एक खेत है, ये फ्रंट के खेत हैं, इनमें पानी कुछ हो चुका है, बाकी उस दिन के बाद से पानी आज तक नहीं आया है। सारी बिजाई खेत में डली हुई है, पानी मिल नहीं पा रहा है, इस चीज़ की हमारी मांग है। लगभग कितना रकबा वंचित रह गया अपना पानी? कई हजारों एकड़ है, अंदाजन 2000+ एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है जी। सभी किसान यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर किसान बंधुओं द्वारा धरना दिया जा रहा है। आपको यहाँ की नहर से अवगत कराते हैं। ये नहर की आप वास्तविक स्थिति देख सकते हैं, इधर बता दो। ये नहर की वास्तविक स्थिति है, पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, नहरें सूखी पड़ी है, ट्रैक्टर पंप बंद है, कुलावे चलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ट्रैक्टर पंप जो निजी साधन है, छोटे साधन है, वो भी नहीं चल पा रहे हैं और किसान बैठे हुए हैं 3 दिनों से धरने पर। जी, ग्रीष्मकालीन मूंग सिंचाई का पानी, पानी दो, पानी दो। ग्रीष्मकालीन मूंग सिंचाई का पानी, पानी दो, पानी दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मांगे पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।